जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ। मींस ये जो आप देखने जा रहे हैं, ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि मेष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर मेष राशि का राशि के अनुसार पारिवारिक जीवन 2022 की चर्चा, अर्थात फैमिली लाइफ संबंधी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। ध्यान रहे कि यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है, इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इज 2022 गुड फॉर एरीज फैमिली लाइफ, अथवा इज 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर एरीज फैमिली लाइफ। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपने लग्न की जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए आप इंटरनेट पर जाएं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लग्न बताएंगी, आपको फ्री में बताएंगी। नहीं तो हमारी वेबसाइट astrosage.com है, वहाँ जाकर आप लग्न ढूंढ सकते हैं। हम उनके पैनल पर हैं और वार्ता के माध्यम से आप चाहें तो वहाँ से हमसे सलाह ले भी सकते हैं। तो लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो अपने नाम राशि या फिर जो है जो भी राशि है उसके अनुसार आप अपना राशि भविष्य जान सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रह गोचर कैसे रहने वाले हैं, सबसे पहले हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही मेष राशि फैमिली लाइफ 2022 यानी कि आपके पारिवारिक संबंधी परिणामों का भविष्यफल या भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन वाला पक्ष कैसा रहेगा, यानी एरीज फैमिली होरोस्कोप 2022 या एरीज फैमिली लाइफ होरोस्कोप 2022, जानने से पहले ही स्पष्ट कर दूं कि पारिवारिक मामले में हम पति पत्नी वाले संबंधों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दूसरे वीडियो में कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो जाकर देखें, प्रेमी प्रेमिका वाला भी कर चुके हैं। इस वीडियो में अन्य रिश्तेदार जिनमें माता पिता, चाचा, ताऊ, फूफा फूफी या जो भी रिश्तेदार परिवार के लोग हैं उनके संदर्भ में बात की जाएगी, जिसका विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव यानी गृहस्थ भाव वाले भाव से कर सकते हैं, दूसरे भाव से करेंगे या अन्य जो संबंधित भाव हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। हाँ, उन पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे और चौथे पर ही करेंगे। इसके माध्यम से जानेंगे कि साल 2022 क्या कुछ रहने वाला है और मतलब कैसे गोचर रहेंगे और उससे आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। साथ ही इन भावों के स्वामियों की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, उसके आधार पर हम आपको यह राशिफल बताने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव की बात करें तो वहाँ साल के ज़्यादातर समय शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा। हालांकि यह प्रभाव काफ़ी समय से चला आ रहा है, कई महीने या ये कहें कि वर्षों से है, लेकिन फिर भी यह प्रभाव रहेगा, इसलिए इस बात का उल्लेख भी जरूरी है। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 के बीच शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। इसके बाद पुनः हो जाएगा 12 जुलाई के बाद। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा के गोचर का उल्लेख वार्षिक राशिफल में उचित नहीं रहता, क्योंकि यह 2 से 2.5 दिनों में अपनी स्थिति बदलता रहता है, तो इतना बता पाना शायद उचित नहीं होगा इस वार्षिक राशिफल में। हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर की, तो शनि के प्रभाव के चलते थोड़ा सा गृहस्थ जीवन बीच बीच में उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। 12 अप्रैल 2022 तक राहु का गोचर दूसरे भाव में है, जो बीच बीच में गलत फहमियां देने का काम कर सकता है, लेकिन 12 अप्रैल 2022 के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बृहस्पति के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल 2022 के बाद पूरे साल के लिए चौथे भाव पर प्रभावी रहेगा, लेकिन 13 अप्रैल 2022 के बाद यानी आपके गृहस्थ जीवन को शांत रखेगा। स्वाभाविक है कि जब घर परिवार में शांति रहेगी तभी आपको मानसिक शांति मिलेगी, और बृहस्पति का गोचर यह प्रॉमिस करता हुआ लग रहा है कि आपको मानसिक शांति मिलनी चाहिए। खासकर 13 अप्रैल 2022 के बाद काफ़ी हद तक आपको मानसिक रूप से शांति मिलनी चाहिए, ऐसा बृहस्पति का गोचर संकेत कर रहा है। वहीं दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो साल के ज़्यादातर महीनों में शुक्र का गोचर पारिवारिक मामलों में सुख शांति देता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। सिर्फ दो अवधियाँ ऐसी हैं जिनमें शुक्र के परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रह सकते हैं। उस पर भी जो पहली अवधि है, पहला टाइम ड्यूरेशन है, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कमज़ोर है। वह अवधि 24 सितंबर 2022 से
18 अक्टूबर 2022 के बीच है। इस बीच में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र ग्रह नीच का रहेगा, यानी कोई पारिवारिक सदस्य अपनी जिद के चलते, सबका अपना अपना हट होता है, तो अपनी जिद के चलते घर में कुछ विरुद्ध परिस्थितियां निर्मित कर सकता है। खासकर किसी स्त्री को लेकर परेशानी हो सकती है या किसी स्त्री को लेकर कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर। अतः ऐसी स्थिति में घर की स्त्रियों के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर जागरूक रहना है, ये जरूरी रहेगा। अगर कोई स्त्री आपस में विवाद करते हुए नजर आए तो तात्कालिक रूप से उसका विरोध ना करें, क्योंकि विरोध करने पर गुस्सा और भड़कता है, बल्कि उसके गुस्से को शांत होने का इंतजार करें। और इन 25-26 दिनों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने का संकल्प लें कि अगर कोई विरुद्ध परिस्थिति निर्मित करता है तो उन्हें बर्दाश्त करें, बाद में चीज़ें वैसे भी शांत हो जाने वाली हैं। दूसरी अवधि 11 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 के बीच आएगी, जब शुक्र 8वें भाव में रहेगा। फिर भी बेवजह के झगड़ों से बचना है और घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि इस समय अवधि में शुक्र अपने भाव यानी कि दूसरे भाव पर दृष्टि डालेगा और उम्मीद है कि शुक्र इस अवधि में कोई बड़ी समस्या नहीं होने देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, आप भी अपने घर को देखते हैं तो घर में कोई दिक्कत नहीं आने देते। कहने का मतलब यह है कि सामान्य तौर पर 2022 में मेष राशि वाले लोगों को पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे टाइम ड्यूरेशंस हैं जहाँ कुछ समस्याएँ रह सकती हैं। उस समय आप समझदारी का परिचय देते हुए चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं और पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। सारांश यह है कि पारिवारिक मामलों के लिए साल 2022 एवरेज से ज़्यादा अच्छा है और कोई बड़ी समस्या आने के योग नहीं है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमज़ोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने पारिवारिक जीवन यानी कि फैमिली लाइफ के मामले में कुछ बेहतर करें, माहौल को बेहतर कर पाएँ, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में मेष राशि वाले लोगों को फैमिली लाइफ यानी पारिवारिक भविष्य के मामले में कोई व्यवधान आता है तो कौन से उपाय करके आप अपने पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित या बेहतर कर पाएंगे। पारिवारिक मामलों में बेहतर परिणाम के लिए अपने व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आपके बिहेवियर में विनम्रता पूर्वक सत्य बोलते रहें, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माता को उपहार में चांदी भेंट करें, संभव हो तो हर महीने नहीं तो प्रत्येक तीसरे महीने रुद्राभिषेक करें या करवाएं। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है, बहुत संभव है कि होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो यह भी संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं और आप अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके, कुंडली विधिवत तरीके से दिखा करके अपनी दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता जान करके उनका उपाय करके अपनी फैमिली लाइफ कहें या फिर पारिवारिक जीवन कहें उसको आप बेहतर कर सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की है तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले करके हमसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे ही बात करें, कहीं से भी करें, सलाह लेनी है ज़रूर लें जिससे आप अच्छा कर सकें, आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर गौर से सुनने वाली है कि आपकी राशि से जुड़े जितने भी मुख्य पहलू हैं उनके अलग अलग वीडियोज़ हम बना रहे हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपनी फैमिली लाइफ यानी पारिवारिक जीवन को बेहतर कर सकेंगे। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।